हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अंजलि दुबे। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज देखते हैं घर में कैसे टैनिंग रिमूव किया जा सकता है। आपकी आंखों के नीचे जो ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं, डार्कनेस, वो कैसे रिमूव किया जा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने फेस को क्लीन कर लें या फिर फेस वॉश करें। मैंने अभी अभी फेस वॉश किया तो मुझे क्लिनजर की कुछ ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ डायरेक्ट पैक अप्लाई करूँगी। आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसे घर पे हम टैनिंग रिमूव कर सकते हैं बहुत आराम से। ये बेसन है, सो फ्रेंड्स ये बेसन है। बेसन को 1 टीस्पून एक चम्मच दही, जरा सा शहद बस, और हम नींबू डालेंगे। नींबू के 2 से 3 या 4 बूंद ही डालेंगे, ज़्यादा नींबू नहीं डालेंगे। बिकॉज क्या होता है कि फिर जो इसके रस होते हैं उससे हमें जलन होने लगती है, तो हम ज़्यादा नींबू के बूंदे नहीं डालेंगे। हमने केवल, मैंने 4 बूंद डाली, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। दही से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। दही अगर कंटिन्यू यूज़ करने से, हफ्ते में 2 या 3 बार यूज़ करने से हमारे फेस पे झाइयाँ, झुर्रियाँ, जो लाइंस बनती वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। दही बहुत ही ज़्यादा, दही को हम अगर 10 से 15 मिनट अपने फेस पे लगा के रखेंगे तो काफ़ी अच्छा हमारे फेस में लाइटनिंग, वाइटनिंग आती है। आप करके देखिए, ये अच्छे से हो गई। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी बनी है। मैंने बहुत लिक्विड नहीं किया है, बहुत रनी नहीं है, ठीक है। मैंने मेरे बालों को सिक्योर कर लिया। सो अब मैं इसे अपने फेस पे लगाऊंगी। आप चाहें तो इसमें ज़रा सा एलोवेरा और गुलाब जल भी डाल सकते हैं। थोड़ा थिक लेयर लगाना है। कभी भी हम पैक लगाएंगे तो पैक को हमेशा ऐसे ही लगाएंगे, अप टू डाउन बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ये बात आप हमेशा याद रखें। मेरा ऑल ओवर फेस लग गया। अगर आप चाहें तो अपने बैक साइड या आपके हाथ में किधर भी टैनिंग है तो आप इसको अपने पूरे बॉडी में भी अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है गाइस, सीरियसली काफ़ी अच्छा वर्क करता है। सो आई होप आप लोगों को ये एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। जो टीनेजर्स गर्ल्स हैं वो इसे 10 मिनट तक ही अप्लाई करें, ज़्यादा नहीं अप्लाई करें। बट जो वीमेंस हैं वो इसे 15 से 20 मिनट तक अच्छे से अपने फेस पे रख सकती हैं। मैं 15 मिनट तक के लिए रखूँगी, उसके बाद मिलती हूँ। मैंने नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कर लिया, अब इसे हम अच्छे से ड्राई करेंगे। एज यू कैन सी मुझे काफ़ी फ्रेशनेस लग रही है, फ्रेश लग रहा है। और मेरे अंडर आइज के नीचे काफ़ी मुझे थोड़े ब्लैक से लग रहे थे, ब्लैक सर्कल्स, बट अभी वो काफ़ी ठीक लग रहे हैं। मैंने ठीक टाइम पे किया और काफ़ी आपका फेस स्मूथ लग रहा है। इसके बाद आप कोई भी टोनर, फेस सीरम या मॉइस्चराइज़र लगाइए। मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। मैं ये मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ अभी, लैक्मे पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम। सो
सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बाय।